मैं रंगोली रसोगी रंगोली की रसोई से आज आपको फड़ी या सुलैया भी कहते हैं उसका मैं पोहा बनाना बताऊंगी। पोहा बनाने के लिए अब मैंने कढ़ाई चढ़ा दी, उसमें 2 चम्मच तेल डाल लिया है। जीरा डालेंगे, मेरा ऑयल गर्म हो चुका है, मैंने थोड़ा सा जीरा डाल दिया, इसमें थोड़ा सा राई डाल दिया। अब मैं इसमें सब्जियां डालूंगी, आलू डाल दिए थोड़े से, मटर, गाजर, शिमला मिर्च, थोड़ा सा इसमें नमक डाल देंगे। इसे पकने के लिए 5 मिनट पका लेंगे। आलू को बन लेकर मैंने पानी चढ़ा दिया है, 2 गिलास पानी करीब डाला इसमें, और थोड़ा सा गूंदा हो जाएगा। मैंने पानी उधर चढ़ा दिया, तब तक मेरी ये सब्जी पक रही है। इधर मेरा पानी गूंदा हो गया, मैं इसमें फली डाल दूंगी। दो सौ ग्राम मेरी फली फली है, मैं इसमें थोड़ा सा गरमा लेती हूँ। मेरी फली अभी इसमें गल गई है, मैं इसको छान लूंगी और वॉश कर लूंगी। मेरी फली अब गल गई है इसमें, अब मैं इसको वॉश कर लूंगी। थोड़ा सा पानी निकल जाएगा तब मैं इसको, देखिए मेरी सब्जी ना पक गई है। अब एक चेक कर लेते हैं, क्योंकि मेरी सब्जी अब पक चुकी है, मैं बिल्कुल महीन महीन काटा था, ये 5 मिनट में हो गई है। अब ये मेरी फली भी वॉश हो चुकी है, मैं इसमें डाल दूंगी। नमक डाल दूंगी थोड़ा सा, ये सब्जी में थोड़ा पड़ा हुआ है, ये मैं थोड़ा ही पका लूंगी, आप अपने स्वाद अनुसार डाल सकते हैं। और थोड़ी सी काली मिर्च डालूंगी, आपको लाल मिर्ची और भी डालना हो तो डाल सकते हैं, तो नमक काली मिर्च और बनाई ज़्यादा अच्छा लगता है। थोड़ा सा मैं घी भी डाल दूंगी, शुद्ध भी डाल दूंगी 2 चम्मच। टमाटर वाटर डाल देंगे थोड़े से, आपके पास सब्जी जो हो वो आप डाल सकते हैं। लेकिन मेरे फली का पोहा बन के तैयार हो चुका है। मैं थोड़ी सी हरी मिर्ची डाल दूंगी और थोड़ा सा धनिया पत्ता डाल देंगे। कलरफुल मेरा पोहा तैयार है, मेरा पोहा तैयार हो गया, मैं इसको सर्व करूंगी। मेरा फरी का पोहा तैयार है, मैंने मिंट चटनी और टमाटो सॉस के साथ इसको सर्व किया है।